आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विकास जी ने। तो सबसे पहले विकास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। झारखंड बोकारो, ये बात तब की है जब मेरा पूरा परिवार बहन की शादी में गांव आया हुआ था। हालांकि हम लोगों ने शादी की पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी, मगर फिर भी कुछ ऐसे सामान थे जो छूट गए थे और जिन्हें लाने के लिए हमें वापस शहर आना पड़ा। मेरे साथ मैं और मेरे पापा और एक मेरी बुआ का लड़का था। हम शहर आ ही थे कि पापा को वापस गांव लौटना पड़ा कुछ जरूरी काम के चलते, जिस वजह से अब सारी खरीदारी का भार हम पर आ गया। खैर, पापा के जाते ही हम दोनों ने खरीदारी शुरू कर दी, मगर खरीदारी में काफ़ी वक्त लग गया। जब हम दोनों वापस घर लौटने को हुए तब तक रात के 11 बज चुके थे। ऊपर से लौटते वक्त रास्ते में मेरे बुआ के लड़के का अचानक ही पेट खराब हो गया, जिस वजह से उसने मुझसे कहा, अरे यार यहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो पैंट में ही हो जाएगी। वहीं सामने एक नहर थी तो वो वहीं बैठ गया और मैं वहीं आसपास घूमने लगा। मैं आसपास घूम ही रहा था कि मुझे एक आवाज़ आई जैसे कि कोई पत्थर तोड़ रहा हो, मगर इतनी रात गए भला पत्थर कौन तोड़ेगा। ये देखने के लिए मैं उस ओर बढ़ा जिधर से वो आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ दूरी पर मुझे एक लड़का दिखा जो एक ऊंचे पत्थर पर बैठा था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का हमारे गांव का विक्की है। मैंने उसे आवाज़ देते हुए कहा भी, अरे विक्की, इतनी रात गए तू यहाँ क्या कर रहा है, चल घर चल। मगर वो मेरी बातों का जवाब देने के बजाय मेरी ओर घूरने लगा और उसकी एक आँख लाल लग रही थी। साथ ही वो मेरे को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। मैं उसके पास जाने वाला ही था कि मेरे बुआ के लड़के ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे चल यार मेरा हो गया। आवाज़ सुनते ही मैं वहीं से लौट गया। जब मैंने ये बात अपने बुआ के लड़के को बताई तो उसने बोला, क्या मजाक कर रहा है यार, विक्की भला इतनी रात गए यहाँ क्या करने आएगा और उसे भला पत्थर तोड़ने की क्या ज़रूरत है। अबे यार चलना, तू भी क्या मजाक कर रहा है, चल घर चल। जब हम दोनों गांव में दाखिल हुए तो मेरी बुआ के लड़के को सबसे पहले विक्की ही दिखा। उसके दिखते ही उसने मुझसे कहा, देख वो रहा विक्की। मैं भी उसे वहां देखकर हैरान हो गया। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ही रात के अंधेरे में कोई धोखा हो गया होगा। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो ये बात हम लोगों ने घर वालों को बताई तो उन्होंने सबसे पहले हमारी नज़र उतारी और फिर बताया कि बहुत पहले ऐसे ही एक लड़का गांव लौट रहा था, उसे भी उसी जगह पत्थर तोड़ने की आवाज़ आई तो थोड़ा वो डर गया और जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगा, मगर वो पत्थर तोड़ने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। और फिर उसे वही लड़का दिखा जिसकी एक आँख लाल थी। उस लड़के ने उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए। तो उसने उसके हाथ में मौजूद थैली की ओर इशारा किया। उस वक्त डर के कारण कुछ समझ नहीं पाया और वहां से भागने लगा। तभी अचानक ही बहुत सारे पत्थर बरसने लगे जिसमें वो लड़का वहीं बुरी तरह से घायल हो गया और वो जैसे तैसे वहां से भाग कर निकला, मगर उसकी कुछ ही दिनों बाद मौत हो गई। कहते हैं जो लड़का पत्थर तोड़ता हुआ अक्सर लोगों को दिख जाता है, दरअसल वो पहले वहीं खदानों में पत्थर तोड़ने का काम करता था। एक बार जब बारूद से चट्टानों को तोड़ा जा रहा था तो वो लड़का भी उसकी चपेट में आ गया, जिससे उस लड़के की मौत हो गई। और कहते हैं कि उस लड़के को मिठाई बहुत पसंद थी, जिस वजह से जो भी उस रास्ते से मिठाई लेकर देर रात गुजरता है तो उससे वो मिठाई मांगता है और ना देने पर कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। उस लड़के के थैले में भी उस दिन मिठाई थी जो वो मांग रहा था, मगर वो लड़का
समझ नहीं पाया। खैर तुम दोनों लोग इसलिए बच गए क्योंकि तुम्हारे पास मिठाइयाँ नहीं थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।